Dear students, today we are going to study the poem How to Tell Wild Animals, written by Carolyn Wells. ये बहुत easy poem है और एक humorous poem है, funny and entertaining. और इस poem में जो humor है वो ये है कि हर stanza में किसी न किसी animal को पहचानने के तरीके बताए गए हैं और humor उसी तरीके में है. The humor or the fun lies in the way the stanzas describe an animal to be identified. And it is a poem with good rhyming scheme also. तो आइए इसकी rhyming scheme को देख लेते हैं. Chance A, advance A, east B, beast B, dine C, lion C. तो जो rhyming scheme बनेगी वो poem की क्या बनेगी? A, B, A, B, C, C. So this is the rhyming scheme of this poem. तो आइए poem को study करते हैं. This humorous poem suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. Wild animals को पहचानने के बड़े ही खतरनाक तरीके बताए गए हैं इस poem में. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. तो इसे आप loud way में पढ़कर इसकी rhythm का आनंद उठा सकते हैं और जो dangerous ways बताए गए हैं हर stanza में, तो आइए देखते हैं वो ways क्या हैं. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. If ever means ki kabhi, you should go by chance. By chance means ki not by purpose, balki ittefaq se, sanyog se, aapko mauka mil jaye. Kya karne ka? Jaane ka. Kahan? To jungles in the east. East means purv. To yahan par eastern part of the world ki baat ho rahi hai. और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंडिया आता है, जो कि फॉरेन राइटर हैं कैरोलिन वेल्स. तो इसलिए हम यहाँ ये मान के चल सकते हैं कि ईस्ट मींस द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ इंडिया. एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, एंड इफ़ और अगर अगर आप ईस्ट के जंगलों में चले जाएँ, मीन्स इंडिया में, वहाँ के जंगलों में, देयर शुड टू यू एडवांस. एडवांस मीन्स आगे बढ़ना. आप खड़े हैं और आपकी तरफ कोई बढ़कर आगे आए. एडवांस यहाँ पे शुड दोनों जगह इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि अगर ऐसा हो जाए. यहाँ पर इसका मीनिंग यही है, इफ़ इट हैपेंस सो. सो इफ़ देयर हैपेंस दैट अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट. टॉनी मीन्स ब्राउनिश येलो कलर, जो शेर का रंग होता है बादामी कलर का होता है. तो अगर बादामी कलर का एक एनिमल बीस्ट आ जाए आपकी तरफ बढ़े, इफ़ ही रोर्स, अगर वो दहाड़े, क्योंकि शेर की दहाड़ होती है, एट यू, तुम पर दहाड़े, आप पर दहाड़े, एज वर डाइन. यहाँ पर डाइंग को शॉर्ट कर दिया गया है. जब पोएटिक डिवाइसेस को हम स्टडी करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस हम यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. तो अगर उसकी दहाड़ सुनकर आपको लगे कि आपकी जान निकल जाएगी, यू फील दैट यू विल डाई ऑफ इट्स रोर्स, जान निकल जाएगी, एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डर जाना. सो उसकी रोर से आप बहुत ज़्यादा डर जाएँ, यू विल नो इट इज़ द एशियन लाइन. तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये एशियन लाइन है. दरअसल ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ इंडिया, इंडिया इज़ नोन फॉर एशियाटिक लाइन्स. तो इंडिया इज़ ए होम फॉर एशियाटिक लाइन्स. गुजरात के जो गिर के जंगल हैं, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, वहाँ पर ये लाइन्स पाए जाते हैं. तो फॉरेन राइटर कैरोलिन वेल्स इंडिया में जाने की बात करती हैं कि कभी आपको इंडिया में जाने का मौका मिल जाए. तो यहाँ पे तरीके बता रही हैं कि आप एशियाटिक लाइन को कैसे पहचानेंगे. तो ह्यूमर इसी में है, पहचानने के तरीके में. तो कोई और तरीका नहीं हो सकता था शेर को पहचानने का. उसके कलर से पहचान सकते थे, उसके जो मेंस हैं, ये जो बाल हैं यहाँ पे, उससे पहचान सकते थे. लेकिन यहाँ पर एक ह्यूमर है कि अगर वो दहाड़े और आपकी जान निकल जाए तो समझ जाओ एशियाटिक लाइन है वो. नेक्स्ट स्टेंजा, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, द सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. और या मीन्स कि अगर मान लीजिए एशियन लाइन को देखने का मौका नहीं मिला आपको, तो इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, तो कभी अगर आप घूमते हुए यहाँ वहाँ राउंड, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, आपको एक जंगली जानवर मिल जाए. ग्रीट्स का मतलब वैसे तो वेलकम करना होता है, हेलो हाय गुड मॉर्निंग एटसेट्रा. तो ये भी एक ह्यूमर है यहाँ पर, क्योंकि वाइल्ड बीस्ट आपको क्यों ग्रीट करेगा, ना तो आपने उसको पाला हुआ है, और बाई इंस्टिंक्ट भी वाइल्ड बीस्ट क्यों ग्रीट करेगा. और यहाँ पर नोबल एक एडजेक्टिव प्रयोग हुआ है उस वाइल्ड बीस्ट के लिए, मतलब एक रॉयल, देखने में जिसकी शान अलग ही दिखती हो, शानदार एक
जंगली जानवर आपको मिल जाए, तो ग्रीट्स यू का मतलब यहाँ पर यही हुआ कि ही कम्स अक्रॉस यू, आपके सामने आ जाए, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। और इस जानवर को पहचानने का तरीका ये भी है कि उसका स्किन का कलर येलो है और येलो ग्राउंड में, मीन्स येलो पृष्ठभूमि में, ग्राउंड मीन्स यहाँ बैकग्राउंड, काली पट्टियाँ हैं, काली काली धारियाँ बनी हुई हैं उसके ऊपर। अगर ऐसा जानवर आ जाए, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, तो जस्ट नोटिस, वैसे नोटिस का मतलब होता है कि ध्यान देना, ऑब्जर्व करना, जस्ट नोटिस यू, लेकिन यहाँ पे जस्ट नोटिस यू का मतलब ये है कि लेकिन ख्याल रहे, बी केयरफुल इफ़ ही ईट्स यू, कहीं वो तुमको खा ना ले। तो लॉयन की तो खाली रोड तक ही सीमित थी पहचान, और यहाँ पर इस जानवर की तो पहचान ये बताई जा रही है कि ये उसकी पहचान है, काली पट्टियाँ हैं उसके बैकग्राउंड पर, और एक नॉवल एनिमल है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर तो आवाज़ करने की बात छोड़िए, कहीं वो तुमको खा ना ले। सावधान, बी केयरफुल, जस्ट नोटिस, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, दिस सिंपल रूल, तो रूल का मतलब यहाँ पर है कि उससे अपने आप को बचाना है कि कहीं वो अटैक कर कर खा ना ले। तो लॉयन मीन्स कि वो रोर करता है, लोग दूर से ही समझ जाते हैं कि लॉयन है, लेकिन ये जो जानवर है ये तुरंत आप पर अटैक कर सकता है और ही कैन ईट यू। ये बड़ी भयंकर पहचान है, वेरी डेंजरस, ह्यूमर भी है तो गजब का ह्यूमर है। तो ये याद जरूर रखिए, ये रूल जरूर याद रखिए कि इस प्रकार का जानवर आता है तो तुम्हें खाने के लिए दौड़ सकता है, अटैक कर सकता है बिना आवाज़ किए, यही रूल है, ये रूल आपको बचाएगा। मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, और ये भी आपको पता लग जाएगा इस रूल से, अगर वो अटैक करता है आपके ऊपर बिना आवाज़ किए, ये बंगाल टाइगर है। तो इंडिया की ही बात हो रही है, और इंडिया इज़ नोन टू हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स, तो इस हिसाब से आप टाइगर को पहचान सकते हैं। नाउ थर्ड स्टेंजा, वी स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, स्ट्रॉलिंग जैसे हम रोमिंग करते हैं, घूमते रहते हैं, वैसे ही चहलकदमी करते हुए, जैसे खाना पीना खाकर हम लोग कभी कभी दो कदम टहलने के लिए निकल लेते हैं गर्मी के मौसम में बाहर, या लॉन में स्ट्रॉलिंग करते रहते हैं, तो ऐसे ही घूमते हुए, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, फोर्थ मीन्स आगे, अहेड, ऐसी चहलकदमी करते हुए आगे बढ़ते हुए, अ बीस्ट यू व्यू, तो यहाँ पर ग्रीट शब्द था और यहाँ पर व्यू शब्द है, मीन्स आपको कोई जानवर मिल जाए, दिखाई पड़ जाए, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, हाइड मीन्स यहाँ पर स्किन है, स्पॉट्स मीन्स धब्बे, इज पेपर्ड, ऐसे पेपर तो काली मिर्च के लिए भी प्रयोग किया जाता है और काली मिर्च के दाने होते हैं, तो काली मिर्च की तरह पेपर्ड, स्पॉट पड़े हुए, कवर्ड विद स्पॉट्स, तो आपको इस जानवर की स्किन पर काले काले धब्बे दिखाई दें तो ये एक पहचान है। एज सून एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, देखिए यहाँ पे लेफ्ट की स्पेलिंग रॉन्ग है, तो हम पोएटिक डिवाइसेस को स्टडी करते वक्त इसके बारे में स्टडी करेंगे, ऐसा क्यों होता है पोएम्स में। एज सून एज, जैसे ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, तो यहाँ पर टाइगर के भी अटैक करने की बात की गई थी और यहाँ पे भी कूदने की बात है कि जैसे ही वो तुम्हें देखेगा कूद पड़ेगा, टेक अ जंप ऑन यू, ही विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तुरंत आप पहचान जाइए कि ये लेपर्ड है, तेंदुआ है ये। तो लॉयन की रोर की बात हो गई, टाइगर की अटैक कर कर ईट करने की बात हो गई, और लेपर्ड की लीप करने की, छलांग लगा सकता है आपके ऊपर। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, नो गुड का मतलब यहाँ पर है कोई फायदा नहीं है, नॉट यूजफुल, काम का नहीं है। तो क्या चीज़ काम की नहीं है, टू रोर विथ पेन, तो शेर के दहाड़ने जैसी आवाज़ ये नहीं करता, इतना दर्द वो नहीं उठाता, मीन्स चुपचाप बिना आवाज़ किए, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वो बार बार आपके ऊपर छलांग लगाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से अगर वो छलांग लगाए बिना आवाज़ किए तो समझ जाइए कि वो लेपर्ड है, मीन्स एक तेंदुआ है। नेक्स्ट स्टेंजास, इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, आप अपने घर के आसपास ही घूम रहे हो, यू मीट अ क्रीचर डियर, वहाँ पर आपको एक प्राणी मिल जाए। अब यहाँ पर वाइल्ड शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बीस्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, हग मीन्स गले लगा लेना, वेरी वेरी हार्ड, भालू के बारे में कहा जाता है कि जब वो अटैक करता है किसी पर तो उसको अपने दोनों हाथों से काफ़ी तेज़ी से जकड़ लेता है अपनी बाहों में, तो वही बात यहाँ पे की गई है। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, अगर वो आपको बहुत ही वेरी वेरी हार्ड हग दे, बी श्योर इट इज़ अ बियर, समझ जाओ ये एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, और अगर आपको कोई शक भी है कि भालू है कि नहीं है, आई गेस, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, पोएट यहाँ पर कह रही हैं, एक और पहचान दे रही हैं कि अगर आपको लगे कि ये भालू है कि नहीं है, तो शी गेसेस ही'ल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, कैरेस मतलब होता है कि एक बहुत ही लविंग एंड केयरिंग और अफेक्शनेट टच देना, बड़ा प्यार और स्नेह का स्पर्श, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, तो
वो आपको हग भी करेगा और आपको जेंटल टच भी देगा एक बार और। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि वो भालू अटैक ही कर रहा है, लेकिन जो उसके बारे में कहा जाता है कि वो जब किसी दूसरे क्रिएचर से भिड़ता है तो उसको इसी तरह से हग करता है। और यहाँ पे कैरेस की क्यों बात की गई है, मे बी ही इज़ नॉट हार्मफुल हेयर। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, डिस्टिंग्विश मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना, अंतर पता लगाना। बीस्ट्स ऑफ प्रे का मतलब शिकारी पशु जो दूसरे का शिकार करते हैं। अ नॉविस माइट नॉन प्लस, नॉविस का मतलब होता है कोई नौशिखवा हो, नया नया जॉब में आया हो, नई नई चीज़ें सीख रहा हो, किसी भी फील्ड में नया हो, दैट इज़ कॉल्ड नॉविस। अ नॉविस माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस का मतलब हैरान, समझ में ना आना, पजल्ड। तो इन दो लाइनों का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो बीस्ट की बात की जा रही है और दोनों के बीच में अंतर पता लगाने में अगर आपको दिक्कत हो, आप नए नए हो, पहली बार देख रहे हो इनको और पजल्ड हो कि ये दोनों जानवर कौन से हैं, तो द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। तो यहाँ पर क्रोकोडाइल और दूसरा है हाइना, क्रोकोडाइल हो गया मगरमच्छ और दूसरा हो गया लकड़बग्घा हाइना। तो अगर आपको क्रोकोडाइल और हाइना दोनों के बीच में अंतर करने में बड़ा पजल महसूस हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, नॉविस हैं, फर्स्ट टाइम यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन देम, तो द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम हाइना दस। तो दस मतलब इस प्रकार से, इन दिस वे, किस प्रकार से, हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स, हाइनास लकड़बग्घे जो होते हैं उनकी स्माइल होती है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हाइनास बहुत एक्साइट फील करते हैं, चाहे वो किसी का शिकार करने के बाद या शिकार पाने के बाद या किसी भी, जब एक्साइटमेंट में वो ऐसा लगता है जैसे स्माइल कर रहे हो जब वो आवाज़ करते हैं, और मेरी मतलब हैप्पी स्माइल। तो अगर वो स्माइल कर रहा है जानवर तो समझ जाइए हाइना है, बट लेकिन इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर वो जानवर रोता है समझ जाओ क्रोकोडाइल है। और आप जानते हैं घड़ियाली आंसू बहुत प्रसिद्ध हैं, मगरमच्छ के आंसू भी कहा जाता है, तो यहाँ पर इसी कहावत के बारे में कहा गया है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि जब क्रोकोडाइल शिकार को अपने मुंह में लेकर उसको स्वालो करने की कोशिश करता है तो उसके आँख से पानी टपकता है। तो वैसे आँखों से पानी टपकने को हम यही कहते हैं कि रोना, मीन्स वीपिंग, लेकिन आप यहाँ पे अंदाज़ा लगाइए कि क्रोकोडाइल बड़ी मस्ती से किसी जानवर को शिकार करके उसको स्वालो कर रहा है, अपना भोजन ग्रहण कर रहा है, तो वो क्यों रोएगा, वाई शुड क्रोकोडाइल्स वीप। तो इसका मतलब वो आंसू झूठे हुए, इसीलिए कहा जाता है घड़ियाली आंसू, मतलब झूठ मूठ के आंसू, सच्चे आंसू नहीं। तो ये स्टेंजा हो गया यहाँ पर। यहाँ पर दो जानवरों की बात की गई, दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के बड़े ही ह्यूमरस तरीके बताए गए। अब कहाँ हाइना आपको स्माइल करता मिलेगा, कहाँ क्रोकोडाइल आपको रोता हुआ मिलेगा, इसके अलावा भी डिफरेंट पहचान हो सकती थी, बट दिस इज़ अ फनी पोएम। ये क्लास 10th में दी गई है, क्लास 4-5 के लिए भी दी गई होती तो और ज़्यादा फनी होता उनके लिए। नेक्स्ट स्टेंजा, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द कैमेलियन यू सी। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, कैमेलियन एक लिजर्ड फैमिली का क्रीचर है, पेड़ों पर यहाँ वहाँ आपने जरूर देखा होगा, तो होता तो ये छोटा है, जितने जानवर यहाँ डिस्कस किए गए उनकी तुलना में तो छोटा ही है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, लिजर्ड फैमिली का है, छिपकली जैसा दिखता है, सॉर्ट ऑफ मतलब लाइक लिजर्ड। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, और इसके एक भी कान नहीं है। तो लिजर्ड के बारे में कहा जाता है उसका एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, मिडिल ईयर भी नहीं होता, मीन्स इसके कान दिखाई नहीं देते हैं, सिर्फ वो साउंड की फ्रिक्वेंसी को सेंस कर सकता है, तो उसके कान नहीं होते, तो ये भी एक पहचान है। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसके पर भी नहीं होता, पंख भी नहीं होते। इट इज़ वेरी फनी, कैमलियन है, लिजार्ड टाइप का है, तो पंख कहाँ से होंगे, कोई बर्ड तो है नहीं वो। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, और अगर पेड़ पर आपको कुछ ना दिखाई दे, इट इज़ द कैमलियन यू सी, तो समझ जाओ वहाँ पर कैमलियन बैठा हुआ है। दरअसल इन दो लाइनों का मतलब ये है कि कैमलियन के अंदर एक नेचुरल कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि वो अपनी सराउंडिंग्स, अपने कलर को मैच कर लेता है। कैमलियन हैज़ द कैपेबिलिटी टू मैच इट्स कलर विद इट्स सराउंडिंग्स, कैमाफ्लाउज करने की इसके अंदर क्षमता होती है। तो अगर हरे में है तो हरा कलर कर लेगा, अगर वो किसी पेड़ पर बैठा हुआ है तो अपना कलर पेड़ की पत्तियों जैसा कर सकता है, इससे वो अपनी रक्षा करता है। तो इसलिए इन दो लाइनों का मतलब ये हुआ कि अगर आपको पेड़ पर कुछ भी ना दिखाई दे, क्योंकि जो कैमलियन बैठा हुआ है उसने अपना कलर पेड़ के पत्तियों के कलर में चेंज कर लिया है, तो लेकिन आप सावधान रहिए, उस पेड़ में कैमलियन जरूर होगा। सो दिस वॉज द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। आइए अब इसके पोएटिक डिवाइसेस को स्टडी करते हैं इस पोएम के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वर्जन की। यहाँ पर देखिए आप, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस लार्ज एंड टॉनी बीस्ट। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है वर्ड्स का चेंज किया गया है, क्योंकि बड़ा अजीब सा सेंटेंस आपको लग रहा होगा, टू यू एडवांस लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, बल्कि इस सेंटेंस को इस प्रकार से होना चाहिए था, एंड इफ़ देयर शुड अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट एडवांस टू यू,
तो जब इस प्रकार से वर्ड्स के ऑर्डर को चेंज किया जाता है पोएम को राइम देने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बीस्ट और ईस्ट को राइम देना था, और ऐसी स्थिति में इन्वर्जन डिवाइस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, कहीं कहीं पे हमने देखा था कि स्पेलिंग्स चेंज कर दी गई हैं, जैसे यहाँ पर डाइंग की स्पेलिंग को पूरा नहीं लिखा गया है, और यहाँ देखिए इटविल की जगह ट्विल कर दिया गया है, यहाँ पे स्पेलिंग चेंज की गई है, जबकि यहाँ पे स्पेलिंग होनी चाहिए थी ये, और यहाँ पर भी स्पेलिंग होनी चाहिए थी इन दोनों की, लेप की LEAP। तो ऐसी स्थिति में पोएट एक प्रकार से छूट ले लेते हैं पोएम को रचने में, और इस डिवाइस को पोएटिक लाइसेंस कहा जाता है। पोएट को जैसे लाइसेंस मिला हो कि वो ऐसी हरकतें कर सकता है पोएम में। अब वो लाइसेंस क्यों मिला हुआ है? जस्ट टू गिव द राइम टू द पोएम। सो यहाँ पर पोएटिक लाइसेंस का डिवाइस यूज हुआ है। इसके अलावा एल्यूजन का भी प्रयोग हम मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एस्थेटिक लाइन की बात की गई है। जब हम रेफरेंस देते हैं किसी को, किसी की तरफ, पर्सन, प्लेस, इवेंट, कुछ भी हो, एनिमल, तो एशियन लाइन, कौन सा लाइन? एशियन लाइन जो इंडिया में रहता है, इंडिया में पाया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे बंगाल टाइगर है, तो एशियन लाइन और ये बंगाल टाइगर दोनों एल्यूजन डिवाइस के भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। और यहाँ पर ये वर्ड लेप लेप दो बार यूज़ हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो डिवाइस यूज होता है उसे कहते हैं रिपीटिशन, पोएटिक डिवाइस। और यहाँ पर इंजेमेंट का भी अच्छा खासा प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए, जब लाइंस बिना किसी पंक्चुएशन मार के आगे मूव कर जाती हैं, जैसे यहाँ पर एडवांस आगे बढ़कर यहाँ पर इस लाइन में अ लार्ज एंड टर्निंग बीस्ट के रूप में कंटिन्यू कर गई ये लाइन, और पंक्चुएशन यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो पोएटिक डिवाइस माना जाता है वो है इंजेमेंट। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यू लर्न विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, ये लाइन कंटिन्यू कर गई है, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। जरा बताइए यहाँ पर किस पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। अभी हमने बताया था यहाँ पर इन्वर्जन, क्योंकि इस लाइन को इस तरह होना चाहिए था, दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न टू डिसर्न द बंगाल टाइगर। टू डिसर्न पहले आना चाहिए था, द बंगाल टाइगर बाद में, तो यहाँ पर इन्वर्जन का प्रयोग हुआ है। यहाँ रोर शब्द का प्रयोग हुआ है। जरा बताइए, बहुत ही इजी डिवाइस है ये। इफ़ अ वर्ड कंटेन्स एनी साउंड देन विच डिवाइस इज यूज्ड, ओनोमेटोपिया का प्रयोग होता है। ओनोमेटोपिया, POEIA। एलिट्रेशन, तो एलिट्रेशन तो आप अच्छी तरह जानते ही होंगे। एलिट्रेशन का प्रयोग तब माना जाता है जब इनिशियल वर्ड यानी शुरू का जो लेटर है नियर बाई वर्ड्स में या क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में रिपीट होता है, तब एलिट्रेशन डिवाइस यूज होता है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण हम दे रहे हैं, जैसे रोमिंग का आर और इसका आर इनिशियल साउंड है, रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन का प्रयोग माना जाएगा, मीन्स रिपीटिशन ऑफ इनिशियल साउंड्स इन द क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। आगे चलें, यहाँ देखिए लेप का एल एंड लेप का एल। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, वाई एंड वाई, वेरी वेरी, वी वी, क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पर बी का बी और यहाँ पर बी का बी, तो ये भी एलिट्रेशन का ही यूज़ माना जाएगा। बाकी आप खुद ढूंढिए, लेकिन एक एग्जांपल और दे दें उसके बाद, हु हग, यहाँ पर ये साउंड और ये साउंड रिपीट हो रही है, क्योंकि एलिट्रेशन साउंड पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे WH मिलके हा साउंड निकल रही है, हु हा हग, दैट इज़ वाई यहाँ पे भी एलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है। आइए अब देख लेते हैं थोड़ा एजोनेंस के प्रयोग, कुछ उदाहरण हम दे देते हैं इसमें से, और बाकी आप खुद ढूंढिए। तो एजोनेंस आप जैसे जानते हैं कि एजोनेंस का प्रयोग तब माना जाता है जब वोवल साउंड रिपीट होती है, मीन्स कि वोवल साउंड निकल के आनी चाहिए, और अगर वो वोवल प्रोमिनेंट हो तब एजोनेंस का यूज़ माना जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ओ ओ ओ, तो ये साउंड प्रोमिनेंट है। इसी तरह से यहाँ देखिए, ओ ओ ओ, इस तरह से आप एजोनेंस के प्रयोग ढूंढ सकते हैं। इधर देखिए, ओ ओ ओ एंड ओ, तो इस तरह से आप और एजोनेंस के प्रयोग ढूंढ लीजिए पोएम में, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छी खासी। नेक्स्ट डिवाइस इसी का काउंटर पार्ट, मीन्स कॉन्सोनेंस। तो आप समझ गए होंगे, कॉन्सोनेंस में वोवल साउंड की बजाय कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, और वो साउंड शुरू में, बीच में, कहीं पे भी हो सकती है। एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस में बस इतना डिफरेंस होता है कि कॉन्सोनेंट की साउंड कहीं पे भी हो सकती है, और एलिट्रेशन के लिए वो इनिशियल प्लेस पे होती है, शुरू में होती है, बिगनिंग में, यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो कुछ उदाहरण एजोनेंस
के ले चुके हैं, कॉन्सनेंस के उदाहरण ले लें हम। देखिए यहाँ पर टी एंड टी, जस्ट नोटिस, टी प्रोमिनेंट है, जस्ट नोटिस एंड ईट्स, तो जस्ट नोटिस ईट्स, टी काफ़ी प्रोमिनेंट है। और स्टेंजा में देखते हैं, देखिए यहाँ पर एज सून एज, एस 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 एस, तो एस साउंड काफ़ी प्रोमिनेंट है, तो एजोनेंस का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। एक एग्जांपल और दे देते हैं आपको किसी और स्टेंजा से, ये देखिए सिंगल विंग, जी एंड जी, सिंगल विंग, तो जी साउंड प्रोमिनेंट है यहाँ पर। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल हो गई है कॉन्सोनेंस के, बाकी आप खुद ढूंढिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉन्सोनेंस एंड एजोनेंस। ज़रा बताइए यहाँ पर इस लाइन में नॉविस और नॉन प्लस में कौन सा डिवाइस यूज़ हुआ है, राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो इस प्रकार से पोएम ख़त्म होती है यहीं पे। बहुत ही फनी इंटरटेनिंग पोएम थी, बहुत ही ह्यूमरस वेज बताए गए हैं जो कि काफ़ी डेंजरस भी हैं टू आइडेंटिफाई एनिमल्स, अच्छी राइम भी है पोएम में और ईजी भी है। सो दिस ट्यूटोरियल एंड शेयर, आई होप कि वीडियो से लाभ जरूर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।